आज की जो टेस्ट थी वो मेरा ख्याल है कि एक दफा फिर आपके सामने जो कुछ हुआ है कि एक मुअज्जज जज साहब ने जो है वो माजरत कर लिया है और बेंच एक दफा फिर टूट गया है। अब लगता है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूं कि नया बेंच बनेगा, लेकिन एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि इत्माद का फुकदान है इस वक्त, और बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है एक लास्ट रिजॉर्ट होता है हम सियासतदानों का भी और आम पब्लिक का भी, बल्कि सारी पाकिस्तान की आवाम जो इंसाफ की तलाश कर रही होती है उसके लिए ये जो आखिरी मंजिल यही है। तो अगर इस मंजिल में जो इस वक्त जो है इस इमारत में जो इस वक्त जो है हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, उसके बाद जो है वह आम साइल जो है और हम सियासतदान भी जो जिनका मसला आज यहाँ पे चल रहा है कौम सारी देख रही है, तो मेरा ख्याल है कि एक डिस्पोंडेंसी या एक मायूसी जो है जिन लोगों की तवक्कुआत हैं और सही तौर पे आइन के तहत तवक्कुआत इंसाफ की इसी अदारे से हैं, इसी इमारत से हैं, तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इनका कल्चर जो है वो बहुत कुछ डिमांड करता है जो बड़ा आला और अरफा है, जिससे जो है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी तबका हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका जो है इत्माद मुतज़लज़ल ना हो। आज जो है इत्माद जो है मुतज़लज़ल हो रहा है। वमा अलैना इल्ला बिल्लाह। आपने फरमाया, देखिए जी, जो ये वकला ने अंदर कहना है मैंने यहां पर नहीं कहना। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि जब नौ जजेस में से तीन रह गए हैं और उनमें से भी ऐसे हैं जिन पर नून लीग और या फिर इस वक्त हुकूमत में जितने जमातें हैं वो सब मुख्तलिफ मौके पर एतराज करती रही हैं, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना देना चाहिए। देखें, ये तो पहले दिन से डिमांड जो है हम कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बना लें, तो अब जो है ये श्रृंग होता जा रहा है सारा, तो ये बजाय इसके कि फुल कोर्ट होता ये श्रृंक होता आज तीन रह गए हैं। मैं इसका कोई मतलब जो है अखज ना करें इससे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर इत्माद बहाल करना है और अपने सफों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो, ताकि इस इमारत में बैठे हुए मुअज्जज लोगों के ऊपर जो है वो लोगों का जो है इत्माद जो है उसको नुकसान न पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी ला जी मोटे बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये आज की जो टेस्ट थी वो मेरा ख्याल है कि एक दफा फिर आपके सामने जो कुछ हुआ है कि एक मुअज्जज जज साहब ने जो है वो माजरत कर लिया है और बेंच एक दफा फिर टूट गया है। अब लगता है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूं कि नया बेंच बनेगा, लेकिन एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि इत्माद का फुकदान है इस वक्त, और बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है एक लास्ट रिजॉर्ट होता है हम सियासतदानों का भी और आम पब्लिक का भी, बल्कि सारी पाकिस्तान की आवाम जो इंसाफ की तलाश कर रही होती है उसके लिए ये जो आखिरी मंजिल यही है। तो अगर इस मंजिल में जो इस वक्त जो है इस इमारत में जो इस वक्त जो है हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, उसके बाद जो है वह आम साइल जो है और हम सियासतदान भी जो जिनका मसला आज यहाँ पे चल रहा है कौम सारी देख रही है, तो मेरा ख्याल है कि एक डिस्पोंडेंसी या एक मायूसी जो है जिन लोगों की तवक्कुआत हैं और सही तौर पे आइन के तहत तवक्कुआत इंसाफ की इसी अदारे से हैं, इसी इमारत से हैं, तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं है।
मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इनका कल्चर जो है वो बहुत कुछ डिमांड करता है जो बड़ा आला और अरफा है, जिससे जो है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी तबका हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका जो है एतमाद मुतजलजल ना हो। आज जो है एतमाद जो है मुतजलजल हो रहा है। वो माल है ना निल्ला अपने देखे जी, जो ये वकला ने अंदर कहना है मैंने यहां पर नहीं कहना। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि जब नौ जजेस में से तीन रह गए हैं और उनमें से भी ऐसे हैं जिन पर नून लीग और या फिर इस वक्त हुकूमत में जितने जमातें हैं वो सब मुख्तलिफ मौके पर एतराज करती रही हैं, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना देना चाहिए। देखें ये तो पहले दिन से डिमांड जो है हम कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बना लें, तो अब जो है ये श्रृंग होता जा रहा है सारा। तो ये बजाय इसके कि फुल कोर्ट होता ये श्रृंग होता होता आज तीन रह गए हैं। मैं इसका कोई मतलब जो है अखज ना करें इससे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो, ताकि इस इमारत में बैठे हुए मुअज्ज़ज़ लोगों के ऊपर जो है वो लोगों का जो है एतमाद जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया यार। सर्दी ला दी मोटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो टेस्ट थी वो मेरा ख्याल है कि एक दफा फिर आपके सामने जो कुछ हुआ है कि एक मुअज्जज जज साहब ने जो है वो माजरत कर ली है और बेंच एक दफा फिर टूट गया है। अब लगता है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूं कि वो नया बेंच बनेगा, लेकिन एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि इत्माद का फुकदान है इस वक्त, और बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है एक लास्ट रिजॉर्ट होता है हम सियासतदानों का भी और आम पब्लिक का भी, बल्कि सारी पाकिस्तान की आवाम जो इंसाफ की तलाश कर रही होती है उसके लिए ये जो आखिरी मंजिल यही है। तो अगर इस मंजिल में जो इस वक्त जो है इस इमारत में जो इस वक्त जो है हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, उसके बाद जो है वह आम साइल जो है और हम सियासतदान भी जो जिनका मसला आज यहाँ पे चल रहा है कौम सारी देख रही है, तो मेरा ख्याल है कि एक डिस्पोंडेंसी या एक मायूसी जो है जिन लोगों की तवक्कुआत हैं और सही तौर पे आइन के तहत तवक्कुआत इंसाफ की इसी अदारे से हैं, इसी इमारत से हैं, तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इनका कल्चर जो है वो बहुत कुछ डिमांड करता है जो बड़ा आला और अरफा है, जिससे जो है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी तबका हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका जो है एतमाद मुतजलजल ना हो। आज जो है एतमाद जो है मुतजलजल हो रहा है। वो माल है ना निल्ला अपने देखे जी, जो ये वकला ने अंदर कहना है मैंने यहां पर नहीं कहना। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि जब नौ जजेस में से तीन रह गए हैं और उनमें से भी ऐसे हैं जिन पर नून लीग और या फिर